हाय गाइस, तो कुंड में नहाने के बाद हमने कर लिया है ड्रेस चेंज। अब हम नेमिसरण्य से निकलकर जा रहे हैं मिश्रिक क्षेत्र में, जो कि नेमिसरण्य से 12 किलोमीटर दूर है। और इसे मिश्रिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि संसार में जितने भी तीर्थ स्थलों का जल है वो इसी कुंड में आकर मिश्रित हो जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र को मिश्रिक क्षेत्र कहा जाता है। और इस कुंड का नाम है ददीची कुंड, और ददीची कुंड के पास ही महर्षि ददीची जी का मंदिर भी है। और ददीची कुंड की मान्यता है कि जो भी सभी तीर्थों की यात्रा नहीं कर पाते, जो भी यात्रा करने में सक्षम नहीं होते, वो ददीची कुंड में आकर स्नान करने मात्र से ही उनको सभी तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। तो गाइज, अगर आप नेमिसरण्य आने का सोच रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो आप नेमिसरण्य से 12 किलोमीटर दूर मिश्रिक क्षेत्र में ददीची कुंड और महर्षि ददीची जी का मंदिर में भी जरूर दर्शन करके जाएं। यहां से दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए राम जी की नगरी में, मीन्स अयोध्या में। हम अयोध्या लगभग रात के 10 बजे पहुंचे थे, इसलिए हम खाना खा के सो गए थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 8 बजे आप देख सकते हो कि हम तैयार हो चुके थे मंदिर जाने के लिए। एंड गाइस, आप देख सकते हैं कि अयोध्या में कितनी ज़्यादा भीड़ है। हमने सिर्फ अयोध्या का नाम सुना हुआ था, और अब हम फाइनली अयोध्या पहुँच चुके हैं राम जी के दर्शन करने के लिए। हमारा फेस देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम कितने ज़्यादा खुश थे राम जी के दर्शन करने के लिए। एंड पीछे जो आप अंकल आंटी देख रहे हैं वो नेमिसरण्य से ही हमारे साथ थे, तो वो भी हमारे साथ अयोध्या दर्शन करने आए हुए थे। हम जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ से मंदिर सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस में था। हम मॉर्निंग में दर्शन करने इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमें बताया गया था कि मॉर्निंग में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। हम तो ऐसा सोच रहे थे कि पता नहीं अच्छे से दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि हम मंदिर के बहुत ही ज़्यादा पास पहुंच चुके हैं, और आप जो ये मंदिर के एंट्री देख रहे हैं यहाँ से भी आपको कुछ किलोमीटर दूर चलकर अंदर जाना है, क्योंकि मंदिर परिसर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एंड हमें ये भी नहीं पता था कि अंदर मोबाइल अलाउड है या नहीं है, तो हम यही सोच रहे थे कि मोबाइल लेके जाएं या नहीं लेके जाएं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक अलाउड होता है वहाँ तक के आप लोगों को मोबाइल ले जाने देते हैं। यहाँ पर जूता चप्पलों के भी अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर आप आराम से अपने जूता चप्पल रख सकते हैं। एंड जस्ट उसी के सामने बहुत सारे काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर बहुत सारे लॉकर्स हैं, आपको आपका सामान रख के वहाँ पे की दी जाती है, आपका सामान अच्छे से लॉक करके रख दिया जाता है। और आप जब मंदिर से वापस आते हैं दर्शन करने के लिए तो आप सेम काउंटर से अपना सामान ले सकते हैं। जब हम गए हुए थे तो वहाँ पे 1, 2, 3, 4 जितने भी काउंटर्स बने हुए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लास्ट के काउंटर में गए थे, मीन्स 10 नंबर के काउंटर पे गए हुए थे, और वापसी में भी हम 10 नंबर के काउंटर से ही अपना सामान आराम से ले लिए, और वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो आप सारे काउंटर्स को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा भीड़ है और कहाँ पर नहीं, जिससे आपको ईज़िली अपना सामान आप रख सकते हैं और वापस ले सकते हैं। तो ये वाली सुविधा मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको अपना मोबाइल और जो बड़ा वाला हैंडबैग होता है वो आपको वहाँ सबमिट करना होता है, क्योंकि आप बड़ा वाला बैग और मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते। बट अगर आप छोटा सा बैग जिस पे आप अपना आधार कार्ड या फिर आप कैश वगैरह कैरी करते हैं तो वो आपको अपने साथ लेके जाना है। मंदिर में आगे जाने के लिए आपका बैग भी चेक होता है, मीन्स कि आप जैसे एयरपोर्ट पे बैग की स्कैनिंग होती है या फिर और भी जगह पे बैग की स्कैनिंग होती है, वैसे यहाँ पर भी आपके जो बैग है वो आपको स्कैनिंग करवानी होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्कैनिंग वाले काउंटर्स पे भी नंबर लिखे हुए हैं, तो यहीं पर आपको अपना बैग स्कैन करवाना है। अब हम आ गए हैं जूते चप्पल वाले काउंटर और लॉकर वाले काउंटर के पास। तो आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट साइड पे है जूते चप्पल वाले काउंटर और यहाँ पर राइट साइड में है लॉकर्स। तो गाइज, अब हम मिलते हैं रामलला के दर्शन करने के बाद। बाय गाइज़।